हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग सबको। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स लेके चलने वाले हैं यहाँ से, ईवीएस नोट्स, जो कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर टोटल 5 मार्क्स के लिए हमको हेल्प कर सकते हैं। ओके, ईवीएस के नोट्स हम देखेंगे टोटल क्लास 1 टू 5 तक। पहली बात तो ये हुई, सॉरी क्लास 1 से नहीं बल्कि 3 टू 5। ओके, शुरू करेंगे आज का हम ईवीएस का पहला चैप्टर। ईवीएस का जो पहला चैप्टर है वो है गोइंग टू स्कूल। कौन सा चैप्टर है पहला? गोइंग टू स्कूल। इसके अंदर जो पहला कंसेप्ट है वो है कि द बैम्बो एंड रोप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन आसाम। आसाम के अंदर जो ब्रिज यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं? बैम्बो के और रोप के यूज़ होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर, जो फोटोज़ यहाँ पे आई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आसाम के अंदर जो ऐसा मसला है कि वहाँ पे क्या होती है, दो दो तीन तीन यानी कि घंटों घंटों बारिश होती रहती है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? घंटों घंटों बारिश होती रहती, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, जो ब्रिज यहाँ पे बनाया गया वो क्या के बनाए गए? यहाँ पे जितने ब्रिज बनाए गए वो क्या के यूज़ होते हैं? बाम्बो के यूज़ होते हैं, बाम्बो और बैम्बो एंड रोप की। इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत हार्ड होता है, इसलिए खैर। तो आप यहाँ पे फोटो फिगर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बारिश होती, पानी पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी। ये लोग क्या करते हैं? बैम्बो के जो भी है उनके ब्रिज बनाते हैं और उसको क्या करते हैं लोग? यूज़ करते रहते। आसाम के बाद जो अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे लद्दाख का। तो लद्दाख के अंदर क्या होती है? ट्रॉली यूज़ की जाती है। क्या यूज़ होती है? ट्रॉली यूज़ की जाती है। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है और यहाँ के जो नदियाँ हैं, जो यहाँ के राइवर्स है, ये बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरी है। ये गहरी होने की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग? ट्रॉली का यूज़ करते हैं। ट्रॉली आप देखे होंगे, एक रस्सी रहती है, उसके थ्रू एक जो बैठने के लिए कुछ ट्रॉली टाइप बनाया जाता है और उसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ पर्सन्स जो भी लोग रहते हैं उनको पास किया जाता है। ये जो स्कूल के बच्चे हैं तो ये कैसा करते हैं, यहाँ के कैसे जाते? ट्रॉली के थ्रू ही जाते। आसाम के बच्चे बैम्बो के ब्रिज से जाते, लद्दाख के बच्चे क्या करते? ट्रॉली का यूज़ करते। ओके, अब जो नॉर्मल एरियाज होते हैं, जितने भी नॉर्मल एरिया होंगे, जैसा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ के मुंबई में कैसे है, जो भी ब्रिज यूज़ किए जाते हैं यहाँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पे सीमेंट के यूज़ होते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सी स्टेट्स के अंदर जो क्या होते हैं, सीमेंट के यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आसाम, उसके अलावा लद्दाख, यहाँ पर कैसा होता है? आसाम के अंदर बैम्बो, लद्दाख के अंदर ट्रॉली। फिर इसके अलावा हम अभी अदर का भी देखेंगे कि कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर किसी तरह से बच्चे स्कूल को जाते हैं और कैसे कैसे कहाँ पे यूजेस होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मल एरिया के अंदर क्या होता, पूरे सीमेंट के पुल यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे सीमेंट के ब्रिज यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम केरला चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है, बोट यूज़ होते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं वेलम। ये बोर्ड के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने स्कूल को जाया करते हैं। केरला के अंदर कैसे, केरला के अंदर भी पानी का प्रॉब्लम है बहुत, तो ये लोग कैसे जाते हैं? वेलम से जाते हैं। और उनकी वेलम कैसी होती है, इस तरह से होती है, उठी हुई और नीचे से
पूरी प्लेन रहती है। जैसे बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ बैठे हुए और सब अपने इसमें क्या कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। अब केरला की बात अगर इधर ऊपर आ जाए, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंदर बच्चे की यहाँ पे क्या किया जाता है, कैमल काट का यूज़ किया जाता है। जो कैमल होते हैं उसको एक पीछे चाक की गाड़ी लगा देते हैं लोग और उसका यूज़ करते हैं, अपने स्कूल में जाया करते हैं। अब राजस्थान से आगे निकले तो ब्लॉक कार्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे बैल का इस्तेमाल होता है पूरा। जो प्लेन एरिया हो रहते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा जमता नहीं, स्पेशली ब्लॉक कार्ट का यूज़ कहाँ होता है, खेतों में होता है और विलेजेस के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चे कैसे जाते हैं अपने स्कूल को, जुगाड़ व्हीकल से। गुजरात के अंदर जुगाड़ व्हीकल यूज़ होता है, इस तरह से आपको गाड़ी देखने को मिलेंगी, सामने से बाइक है और पीछे से उनका बैठने के लिए उन्होंने ख़ास डिज़ाइन करे। ये गुजरात की एक अपना फैशन है, वहाँ का एक डिज़ाइन किया गया है। अब जो नॉर्थन हिल्स है यहाँ पे क्या होता है, बच्चे स्कूल को तो जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं, जो बर्फ़ के जो ये रहते हैं हिल्स पहाड़, इससे होते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं, फ़ोटो लाने का ये मकसद है कि जो आप देख रहे हैं इसको क्या होना, आपके माइंड के अंदर नक्श हो जाना, आपको एक बार देखते ही याद हो जाना। इसके बाद अब उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रॉकी पाथ पास एंड रॉकी जो है, यहाँ पे ऐसे रास्ते होते पूरे पत्थर के, इसके थ्रू के बच्चे क्या होते हैं स्कूल को जाते। ओके, तो हमने क्या क्या देखे, पहले आसाम देखे जहाँ पे बैम्बो का यूज़ होता है, ब्रिज जो यूज़ किए जाते हैं वो बैम्बो के होते हैं। सेकंड नंबर पे ट्रॉली यूज़ की जाती है जो कि लद्दाख के अंदर होता है। इसके बाद जो यूज़ किया जाता है वेलम, जो कि केरला के अंदर एक बोट होती है और वो बोट के थ्रू बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं। फिर कैमल कार देखे जो कि राजस्थान में यूज़ होता है, जुगाड़ गाड़ी, जुगाड़ व्हीकल जो कि गुजरात के अंदर यूज़ होता है, और बीच में हमने देखे थे ब्लॉक कार्ट्स जो कि प्लेन एरिया में यूज़ होता है जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं रुकता, उस वहाँ पे क्या करते हैं ब्लॉक कार्ट्स का यूज़ किया जाता है। फिर उत्तराखंड के अंदर कैसे पूरे पथरीले रास्ते हैं, यहाँ पे भी कैसा है, माउंटेन का एरिया है पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन लिखा हुआ है। तो ये लोग कैसे जाते हैं, पत्थर के रास्ते से होते हुए जाते हैं बच्चे यहाँ के। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर टू, ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर की जो बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन हमारी काम की नहीं है। अगर आप लिजार्ड को देखेंगे तो उसके सर के यहाँ पे क्या होता है, एक होल रहता है, आप देख रहे होंगे, यानी कि लिजार्ड की भी क्या होता है, ईयर होता है। ये हमारा कंसेप्ट था। अगर आप केयरफुली ध्यान से देखेंगे लिजार्ड को तो उसके हेड के पास क्या रहता, उसके हेड पे के ऊपर क्या रहता है, छोटा सा होल रहता है जिसको आप सुराख बोल सकते हैं, और भी अपने जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिजार्ड उसका इस्तेमाल, लिजार्ड के पास भी क्या रहते हैं, कान रहते हैं, और जो कि कान रहता है हेड के ऊपर रहता है। लिजार्ड के बाद अगर हम आगे जाए तो जो क्रोकोडाइल रहता है इसका भी, इसके भी कान रहते हैं लिजार्ड की तरह, वो भी कान रहते हैं एकदम आँख के पीछे ही। दिख रहा आपको मगरमच्छ कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। फिर इसके अंदर जो दो हमारे कंसेप्ट हो गए, एक लिजार्ड का जिसको कान रहते हैं और वो भी कान कहाँ रहते हैं, सर के ऊपर रहते, क्रोकोडाइल की भी लिजार्ड की तरह सर के ऊपर रहते। इसके बाद आप अगर एनिमल्स को अगर पहचानेंगे तो कैसा पहचानते, उनके पैटर्न से पहचानते। और दूसरी बात, हर एनिमल का जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता, डिफरेंस रहता, अलग 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 रहता। वो डिफरेंस क्यों रहता है, क्योंकि वह उनके हेयर की वजह से डिफरेंट रहता है। अब किसी के हेयर ब्लैक रहते हैं तो ब्लैक कलर का एनिमल हो जाता, उसका कलर ब्लैक हो जाता।
किसी का कैसा रहता है, किसी का अलग रहता है, किसी के कैसे कैसे पट्टे रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारे एनिमल्स हैं, इनके क्या है, सबके पैटर्न अलग है। और क्यों पैटर्न अलग है, क्योंकि इनके स्किन पे जो बाल आए, जो हेयर आए हैं, वो इनके अलग अलग पैटर्न की वजह से। सबसे पहले देखेंगे जेब्रा का पैटर्न अलग है, क्यों, क्योंकि उसके हेयर की वजह से। टाइगर का के जो पट्टे हैं, जो इनके पर लाइंस है, वो अलग है, तो वो भी क्यों है, उसके हेयर की वजह से। हिरन का पैटर्न अलग है, पैंथा का भी क्या यहाँ पे पैटर्न अलग है, ब्लैक है। फिर हिरन का जो हम जिसको डीर बोलते हैं, इसका भी पैटर्न सबका अलग अलग है। तो ये सब क्यों होते हैं, इनके पैटर्न चेंज होते हैं इनके हेयर की वजह से। ओके, फिर एक और कंसेप्ट है, जो एनिमल के कान दिखते हैं वो क्या करते हैं, एंड बर्थ जो वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके कान नहीं रहते वो क्या करते, बच्चे नहीं देते। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़े, जिसके हम कान देख सकते हैं वो एनिमल क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिसकी ऐसे एनिमल जिनके हम क्या कर सकते हैं, जो ईयर रहते हैं, जो कान रहते हैं, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बकरी हो गई, हमारे आसपास में देखेंगे हम कुत्ता हो गया, बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ऊँट हो गया, कैमल हो गया, बिल्ली हो गई हमारे घर में रहती, तो और भी ऐसे कई हैं एनिमल्स जिसके कान जो हम देख सकते हैं वो क्या करते हैं, जिसके भी कान देख सकते हैं हम आसानी से, तो वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। इंग्लिश के अंदर नोट्स है, मैं बस आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। और जो एनिमल के हम कान नहीं देख सकते उनकी बॉडी पर, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसा कि हमारा मुर्गी है, इसकी हम क्या करते हैं, आउटसाइड में इसकी क्या है, कान हमको नहीं दिखते। कान तो रहते हैं इनके, ईयर रहते हैं, लेकिन हल्का सा क्या रहता है, एक सुराख रहता जो कि छुपे हुआ रहता अंदर, हल्का सा नहीं बल्कि बड़ा रहता, इतना बड़ा भी नहीं रहता कि हम देख सके, लेकिन इतना बड़ा रहता कि वो लोग सुन सके। लेकिन वो उसके ऊपर क्या रहते हैं, उनके पर आ जाते हैं, तो इसलिए हम उसकी ईयर नहीं देख सकते। चिड़िया की भी, जिसके कान नहीं दिखते हमको, सांप के भी हमको ईयर नहीं दिखते, तो इसलिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। आई होप आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसके हम कान आउटसाइड पे बाहर आसानी से देख सकते वो एनिमल क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और जिसके कान नहीं दिखते हमको, हम आसानी से नहीं देख सकते, होल रहते हैं उनके, उनको क्या करना पड़ता है, उनके जो पर रहते हैं उसको हटा के देखें तो हमको होल दिख जाता अंदर, तो वो क्या करते, जिनका होल दिखता है वो क्या करते, अंडे देते। और जिसके आसानी से कान देख सकते वो क्या करते, बच्चे देते। जैसा कि हमने अभी देखे लिजार्ट और क्रोकोडाइल, इनकी ये क्या करते, इनके कान हमको दिखते नहीं बल्कि स्पेशली देखना पड़ता अगर देखना रहा तो जिसके कान नहीं दिखते वो क्या करते, अंडे देते। एक इसके बाद टाइगर क्या है, हमारा एक नेशनल एनिमल है। टाइगर के बारे में एक लास्ट कंसेप्ट दिया हुआ है कि टाइगर जो हमारा एक नेशनल एनिमल है, और इसके अलावा ये क्या, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा भी कम होती जा रही है बताया जा रहा हूँ। किताब के अंदर एक कंसेप्ट दिया हो गया है, अब यहाँ से हम देखेंगे चैप्टर अ डे विद नंदू। जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है, जो एक बालिग हाथी रहता है, वो तकरीबन क्या है, 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे इंग्लिश में कि वो आसानी से दिन में, एक दिन के अंदर वो 100 किलोग्राम टहनी और पत्ते आसानी से खा लेता। फिर दूसरा कंसेप्ट है कि वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, 2 से 4 घंटे सोते, इससे ज़्यादा हाथी नहीं सोता। और उनको सबसे ज़्यादा प्यार होता है मट से और वाटर से, ये कीचड़ में बहुत खेलते हैं और वाटर में ज़्यादातर रहते। कोई एनिमल को अगर पानी दिख गया तो वो क्या कर देता, अंदर उतर जाता। कोई एनिमल से मुराद अगर हाथी है, उसको अगर कहीं पानी दिख गया, हमने देखे जाता रेस्क्यू टीम आती फिर एलिफेंट को निकालती, जेसीबी आता हो, जेसीबी उसको निकालने की कोशिश करता,
फिर रस्सी भी डालते, कोशिश करते, निकल तो जाता वो आसानी से, लेकिन इतना आसानी से निकालना नहीं रहता। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, जब वो उसको पानी से इतना लव रहता, हमने देखे वीडियोस के अंदर कि वो आसानी अंदर कूदी तो मार ही देता, जब छेलना बंद हो जाता और बाहर निकलना नहीं आ रहा तो फिर वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता। तो इस बात से पता चल गया कि जो एलिफेंट रहते इनको मड बहुत पसंद रहता और पानी बहुत पसंद रहता खेलने के वास्ते, और मड्स क्या करते, इनकी स्किन को कूल रखते, और इनके जो बड़े बड़े कान रहते हैं, ये जो ईयर्स रहते हैं, ये एक फ़ैन की तरह काम करते रहते हैं। एलिफेंट अपने जो पर, अपने जो कान रहते हैं उसको क्या करता, फ्लैप करते रहता, फड़फड़ाते रहता, जिससे उनके स्किन को कैसा लगता, सुकून लगता, कूल लगता, ठंडा लगता। और यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे। इनका जो हर्ड रहता है, जो इनका एलिफेंट का ग्रुप्स रहता है, उसके अंदर क्या रहते हैं, बस फीमेल्स रहती है और बेबी एलिफेंट, यानी कि 14 साल के अंदर के एलिफेंट रहेंगे, और जो भी बड़े रहेंगे, एडल्ट रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सब मेल रहेंगे, सॉरी फीमेल रहेंगे, और कौन रहेंगे इनके अंदर, बेबी एलिफेंट रहेंगे। 14 साल के अंदर जितने भी एलिफेंट हैं मेल, वो क्या कर सकते हैं, इनके ग्रुप में रह सकते हैं। 14 साल के ऊपर जब मेल हो जाता है तो उसको ग्रुप छोड़ देना पड़ता। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट ये अच्छा हमारा कि इनका जो हार्ड रहता है, जो ग्रुप रहता है, इसके अंदर क्या रहते हैं, फीमेल रहते हैं और छोटे हाथी रहते हैं। उसके बाद ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, इनकी जो लीडर रहती वो कौन रहती, ओल्डेस्ट फीमेल, यानी कि जो बूढ़ा हाथी रहेगा वो क्या रहेगा, इनका लीडर रहेगा। लीडर वही बन सकता है जो ज़्यादा बूढ़ा है, फिर वो चाहे हाथी की हथनियों में माँ हो, दादी हो, जो भी हो, जो बूढ़ी रहेगी सबसे ज़्यादा वो क्या बनेगा, लीडर बनेगा। इनका जो हर्ड है इसके अंदर क्या रहते, बस 10 से 12 ही फीमेल रह सकती है, और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे रह सकते हैं। एलिफेंट के जितने फीमेल्स, 10 से 12 फीमेल्स रहेंगे ग्रुप के अंदर, और उनके साथ छोटे बेबी रह सकते हैं। जो मेल एलिफेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रहता है, 14 से 15 साल तक रह सकता है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, जैसे वो 14 या 15 साल ओल्ड हो जाते हैं तो वो क्या कर लेते, खुद से ही अपने हर्ड को, अपने ग्रुप को क्या कर देते, छोड़ देते और वो कहीं और निकल जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड वेन ही इज़ दैट ओल्ड, नंदू को भी अपना क्या करना पड़ेगा, लीव छोड़ना पड़ेगा जब वो ओल्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ कंसेप्ट समझे होंगे, जो एलिफेंट रहता है, जो हाथी रहता है, वो क्या करता है 100 किलोग्राम लीव्स खाता है, और क्या खाता है, ट्विक्स यानी कि टहनियाँ खाता है, फिर उसके बाद वो 2 से 4 घंटे सोता है। ये क्वेश्चन आया था इस मरतबा 2019 दिसंबर के अंदर। फिर उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनको मड और वाटर से बहुत प्यार है, इससे बहुत अच्छा खेलते हैं। जो कीचड़ रहता उनको क्या करता, उनकी बॉडी को कूल रखता, सुकून देता उससे, और ये अपने जो ईयर्स रहते हैं इनके, उसको क्या करते हैं, फ्लैप करते रहते हैं। उनकी ईयर्स कैसे रहते हैं, एक पंखे की तरह काम करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उनकी स्किन को फड़फड़ा कर कूल रखते हैं। फिर उसके बाद हमने देखी कि इनका जो फीमेल ग्रुप रहता वो किस पर डिपेंड रहता, फीमेल एलिफेंट पर रहता और यंग बेबी पर रहता, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 14 साल या 15 साल के अंदर के। दूसरी बात, इनके ग्रुप के अंदर बस 10 से 12 ही फीमेल एलिफेंट्स रहेंगी और उनके बच्चे रहेंगे साथ में। अगर कोई एलिफेंट का बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, 14 से 15 के आसपास चल जाता है या उससे बड़ा, तो उसको ग्रुप क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिक छोड़ देना पड़ता है। इसका आपको कंसेप्ट बाद में मालूम होगा कि मेल को क्यों छोड़ दिया जाता है या वो क्यों छोड़ के चले जाता, इसका कंसेप्ट हम एनिमल के अंदर देखें जब हम इसका कंटेनमेंट पढ़ेंगे ईवीएस का, उसके अंदर हम पूरे चैप्टर्स के अंदर बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्टोरी ऑफ अमृता। खेजाड़ी एक विलेज है जो कि जोधपुर के करीब है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान एक स्टेट है।
खेजाड़ी एक विलेज है जो कि जोधपुर के करीब है और ये राजस्थान के स्टेट में आता है। यहाँ पे मैंने इसके पिक्चर भी लेकर आया हूँ। राजस्थान का स्टेट है, राजस्थान की जो सिटी है जोधपुर, उसके करीब में एक विलेज है जिसका नाम क्या है, खेजाड़ी। अभी खेजाड़ी खेजड़ी क्या नाम है इसका, इसको हम देखेंगे थोड़ा डीप में। खेजाड़ी जो ट्री है ये कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो रेगिस्तान के अंदर मिलता है। और ये जो खेजाड़ी जो ट्री है इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बगैर पानी के भी क्या होता है, खुद ब खुद अपने ग्रो करते चलता। इसकी जो बार्क है, इसकी जो छाल होती है, वो क्या करते हैं, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसकी जो वुड रहती, लकड़ी रहती खेजाड़ी, इसकी क्या रहती, ये कीड़ों से मकोड़ों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एकदम सेफ़ रहती है। वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो क्या करते, स्पेशली इसके लीव्स खाते रहते, पत्ते खाते रहते, और बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे खेलते रहते हैं उसके शेड के नीचे, उसके साए के अंदर। और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो बिश्नोईस कहलाते हैं। खेजाड़ी जो क्या एक इलाका है, अमृता की कहानी है पूरी, ये लोग क्या करते, प्लांट्स जो भी रहते हैं, दरख्त रहते, इनको क्या करते, इनकी बहुत हिफाजत करते हैं। और वो कहते हैं कि पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। यहाँ पे खेजाड़ी की ज़्यादा ट्री होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, खेजाड़ी पड़ गया। फिर उसके अलावा उनकी कहानी है कि वहाँ पे बादशाह प्लांट को तोड़ने आते हैं तो लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं, एक को देख के सब खेत उस क्या करते, अपना अपना प्लांट पकड़ लेते और बोलते कि प्लांट अगर तोड़ना है तो पहले हमको मारना पड़ेगा। तो बादशाह के जो सिपाही रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको लकड़ी की ज़रूरत रहती महल के अंदर, तो ये क्या करते, इतने लोगों का मर्डर कर देते, ख़त्म कर देते, ले और वो ट्री को तोड़ के लेके चले जाते। जब बादशाह पर मालूम होता कि ये ट्री के लिए इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, तो फिर बादशाह क्या करता है, ट्री के लिए एक अच्छा इंतज़ाम करता है कि अब यहाँ से ट्री प्लांट्स तोड़े नहीं जाएंगे, उनकी हिफाजत की जाए। ऐसी वैसी ये तकरीबन ऑलमोस्ट 300 साल पहले की बात है। इसकी पूरी कहानी है चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिया गया है, स्टोरी ऑफ अमृता के अंदर, उसके बारे में। खेजाड़ी जो ट्री है ये क्या है, इसकी क्वालिटी बताई गई है। एक मैंने ये छोड़ दिया, पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। वहाँ वो जो खेजाड़ी जो ट्री है उसकी क्या करते हैं लोग, जो उसके बीन्स रहते हैं, फलियाँ रहते हैं, उसको लाते पकाते और क्या करते, खाते रहते। ये खेजाड़ी की क्वालिटी है। तो इसके लिए यहाँ पे याद रखने इतनी बात है, खेजाड़ी एक गांव है जो जिसका नाम क्या पड़ा, खेजाड़ी ट्री की वजह से इसका नाम, गांव का नाम भी खेजाड़ी रह गया। ये जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के करीब है, राजस्थान के अंदर है। पहला कंसेप्ट ये, दूसरी बात ये कि खेजाड़ी का जो ट्री है इसको क्या ज़्यादा नहीं लगती, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, विदाउट पानी के अच्छा ग्रो होते रहता। और ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। इसकी जो छाल रहती है वो किसके लिए इस्तेमाल होती, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होती। पीपल क्या करते इसको बनाते भी, इसके जो बीन्स रहते फ्रूट रहते उसको तोड़ते और उसको क्या करते, पकाकर खाते रहते। और इसकी जो लकड़ी रहती वो क्या होती, कीड़े मकोड़े से कोई इफेक्ट नहीं होता, सेफ रहती अच्छी। और बच्चे वो खेजाड़ी की जो ट्री है उसके अंदर खेलते रहते। और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो 300 साल पुरानी है, उनको क्या कहते हैं, बिश्नोईस कहते हैं, ठीक है, बिश्नोईस कहलाते हैं। खेजाड़ी जो ट्री है वो कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, अमृता हनीबी। हनीबी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे मिल जाएंगी अच्छी सी सीटेट के लिए, एज वेल एज और भी बहुत से अच्छे इन्फॉर्मेशन है जो हम एनिमल्स प्लांट के अंदर ही अच्छे से देखेंगे। बोचाचा एक विलेज है जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता, बिहार के स्टेट के अंदर, बिहार स्टेट का जो एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, उसके अंदर एक बोचाचा नाम का विलेज है। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि एक बच्ची रहती अनीता, जो क्या करती स्टडी करते रहती, और वो क्या करती शहद
का जो छत्ता रहता है शहद की मक्खियों को पालते रहती है। शहद की मक्खियों को पालना उसके लिए आसान नहीं रहता, उन्हें स्टडी कैसा करती, शहद की मक्खियाँ कैसे पालती उसकी पूरी अच्छी से स्टडी है। लेकिन हमारे लिए जो मेन कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। ये जो एरिया है इनका बोचाचा, यहाँ पे क्या है, लीची ट्रीज बहुत है। ये जो लीची ट्रीज रहता है इसको देख के क्या होते हैं, हनी भी अट्रैक्ट होते और वहीं पे क्या करते, अपना बसेरा बना देते, वहीं पर शहद बनाना शुरू कर देते। अगर आप भी अगर पालना चाहते हैं हनी बी को अगर शहद के वास्ते, तो आपको बिज़नेस करना चाहते हैं इसका, इसके अंदर बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट है, ये तो बहुत अच्छी बात। तो इसके लिए कुछ संदूक वंदूक लग, 2-3 पेठी लेके आना पड़ता है संदूक की, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लीची ट्रीज ला के लगाना पड़ता। लेकिन जो लीची ट्रीज जो रहता ये सस्ता नहीं मिलता, इसका तकरीबन रेट 400 या 5000 कुछ ऐसा चल रहा है, अभी मैंने गूगल पे चेक किया हूँ। आपके लिए फ़ोटो भी लेके आया हूँ, मैंने फ़ोटो ऐड नहीं किया इसमें, सॉरी इसके लिए। तो लीची ट्रीज जो है, जो क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बोचाचा विलेज के अंदर, बोचाचा जो गांव है उसके अंदर बहुत से ज़्यादा लीची ट्रीज पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है हनी भी इसको देख के अट्रैक्ट होती है। और लोग क्या करते हैं, लीची नाम का जो प्लांट्स है, जो भी इसके ट्री आते हैं उसको ख़रीद के लेके आते हैं, लगाते हैं, और उससे क्या करते हैं शहद की मक्खियाँ वहाँ पे आते हैं, अपना शहद का छत्ता बनाते हैं, और फिर उससे क्या करते हैं लोग उनसे शहद हासिल करते हैं और उसको उसका बिज़नेस करते हैं, उनको बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे बोचाचा जो विलेज है उसकी एक क्वालिटी है। अब हनी बी की कुछ बात बताइए, हनी बीस ले देर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। शहद की जो मक्खी रहती है वो कब से कब तक देती है अंडे, अक्टूबर से दिसंबर तक, ओके। उसके बाद इनके जो छत्ते रहते हैं उसके अंदर क्या रहती है, क्वीन रहती है, जो कि क्या करती है अंडे देती है। यहाँ पे क्या होते हैं बहुत ही कम मेल्स होते हैं, और बाकी जो बीज रहते हैं, जो भी मक्खियाँ रहते हैं, उनका काम क्या रहता है, बस शहद लाना काम करने के वास्ते, बच्चों का देखना, क्वीन के जो बच्चे देंगी उनके बच्चे देखना, उनकी उनका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से करने की कोशिश करना, एज वेल एज़ जो मक्खियाँ रहते हैं वो क्या करते हैं बाहर से रस लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद मक्खी अंडे देती है, उसको रस को चेक करती है, उसके 12 के अंदर आपको बहुत अच्छा पड़ेंगे। और ये बाकी की हनी बीज क्या करते हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपना काम करने के लिए रहते हैं। बस एक ही क्वीन रहती है जो क्या करती है, अंडे देती है, और इसके अंदर कुछ ही मेल रहते हैं जो कि काम नहीं करते। अब मेल काम क्यों नहीं करते, मेल काम इसी नहीं करते क्योंकि मेल कुछ सेलेक्टेड रहते जो फीमेल के साथ मेटिंग करते, उसके बाद जो क्वीन है क्वीन के साथ मेटिंग करते और उसके बाद क्वीन अंडे देती है, फिर अंडों की सेफ्टी और देखना सब करना किसका काम होता है, दूसरे जितने भी मक्खियाँ रहेंगी उनका काम, शहद की मक्खियों का काम रहता है कि इसकी हिफाजत करना, बाहर से शहद का रस लेके आना। और दूसरी बात, इसके कंसेप्ट की बात आप सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे, ये जो क्वीन जो रहती है जब इसको मरती या इसको मारा जाता है, मेरे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, इसके मरने के बाद जब इसके जो बच्चे जब इसको खा जाते तब जाके वो एडल्ट होते, उससे पहले एडल्ट नहीं होते। शहद की मक्खी का एक कंसेप्ट है, नेचर ने हमारा नाजे ने कैसे बनाया, कुदरत ने, कि जब वो अपनी माँ को खा लेते नोच नोच के उसके बाद ये ऑटोमेटिक एडल्ट हो जाते। 12 के अंदर है ये, आपको क्वेश्चन की एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा, आए ना आए नहीं पता, 12 के अंदर से बहुत क्वेश्चन आते बायोलॉजी में से भी। तो ये कंसेप्ट एनिमल्स का जब हम पढ़ेंगे अंदर, एक एक एनिमल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हर एनिमल्स की क्वालिटी देखेंगे क्या है, आपने साइंस के अंदर बहुत कुछ पढ़े होंगे अच्छे से। ये था हमारा कुछ चैप्टर जिसके हमारा आज ख़त्म हो गया है, ऐसे आज हमने कुछ चैप्टर्स देख लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह हम जुड़ के रहिए, थोड़ा बहुत वीडियो के अंदर प्रॉब्लम होगा चलेगा, मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको पूरा पेडागॉजी के चैप्टर्स कराऊंगा।
फिर कंटेंट जितने भी थीम्स इसके वो भी चैप्टर कराऊंगा, और उसके अलावा फिर हम लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे।